हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज प्रभाव। मैं रिंकू सिंह। तो हम लोग आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं, क्लास एट्थ हम लोग कर रहे हैं, ये आपको पता है। और क्लास एट्थ में पार्ट टू पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और पार्ट टू में आज अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में कैसे हुई उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये स्पेशल क्लासेज लेने वाले एडुकेटर्स जो प्लस पे भी पढ़ा रहे हैं, ये सारे टॉप के एडुकेटर्स ये प्लस पे भी पढ़ा रहे हैं। और इन सब को पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरा भी कोर्स चल रहा है। मैं मधुकर सर, सुनील सर, एस के शर्मा सर, ललित सर, जितने भी हम एडुकेटर्स हैं प्रभाव पे जो पढ़ा रहे हैं, हम सब का फुल कोर्स प्लस पे चल रहा है। हम सबको पढ़ने के लिए आप प्लस ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपकी प्रीलिम्स ठीक है, मेंस दोनों की तैयारी होगी। प्रीलिम्स का दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड, और मेंस के चारों जीएस के पेपर, आपका ऑप्शनल लैंग्वेज, ये सब आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो ये फर्क है प्रभाव में और प्लस में। प्रभाव पे आपको ऑप्शनल नहीं मिलता, आपको एनसीईआरटी मिलता है तो एनसीईआरटी मिलता है, कोई एक बुक मिल पाती, उसमें भी मतलब हमारी मजबूरी होती है क्योंकि हम प्लस पे टाइम ज़्यादा देते हैं। वहाँ पे हम कमिटेड हैं स्टूडेंट्स से, क्योंकि वो स्टूडेंट हमें पे करके आते हैं और वहाँ पे दो दो घंटे की क्लासेस लेनी होती हैं हमें। तो आप भी प्लस ज्वाइन करिए और वहीं पे आपकी तैयारी कंप्लीट होगी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ प्लान्स हैं और इसमें वन ईयर का प्लान काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी है। रिंकू लाइव कोड यूज करने के बाद ये 40,000 की जगह हो जाएगा 36,000। और जो दो साल का कोर्स है 24 मंथ्स का, उसको भी अगर आप लेते हैं, अगर आपको मतलब 2021-2022 में परीक्षा देना है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसको आप लोग लेते हैं तो ये भी रिंकू लाइव कोड यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 57,600। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, जैसे क्लिक करेंगे वहाँ टेलीग्राम लिंक मिलेगा। और जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे उसमें आ जाएगा आपका, मैं एडमिन हूँ उस ग्रुप की, आप मुझे पर्सनली भी वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो देख पा रहे हैं हमारे मेरे पीछे, ये तरीका है आपको कि किस तरह से आप प्लस सब्सक्राइब करेंगे। तो क्लास एट्थ का पार्ट टू कर रहे हैं हम लोग, और इसमें आज जो हमारा चैप्टर है वो है, ये एट्थ चैप्टर है, और एट्थ चैप्टर में है देशी जनता को सभ्य बनाना। मतलब उनको ये लगता था कि जब तक भारतीय भारतीय भाषाओं में यहाँ देशी शिक्षा लेते रहेंगे तब तक वो सभ्य नहीं बनेंगे। तो उनको था कि इनको सभ्य बनाने के लिए इनको अंग्रेजी की शिक्षा जरूरी है और राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अंग्रेज किस तरह देखते थे शिक्षा को, भारतीय शिक्षा को किस तरह से देखते थे? तो यहां पर कुछ प्राच्यवादी थे। तो प्राच्यवादी कौन होते हैं? प्राच्यवादी वो लोग जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में विश्वास करते हैं, जो प्राचीन ज्ञान में, जो भारत का प्राचीन ज्ञान था, जिनकी उनमें आस्था थी, जो उसको सही मानते थे, उनको प्राच्यवाद कहा गया। प्राच्य का मतलब पता ही आपको, प्राचीन, और जो प्राचीन ज्ञान को, दर्शन को, भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को जिन्होंने सही माना। तो इसी में 1783 में एक विलियम जोन्स आए, विलियम जोन्स,
विलियम जोन्स नाम के जो सज्जन भारत आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के तौर पर आए थे, जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में। और इनको इनको मतलब ये एक भाषाविद भी थे, इनको बहुत इंटरेस्ट था भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं को सीखने में। भाषाविद जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं उन्हें हम भाषाविद कहते हैं। तो इनको बहुत इंटरेस्ट था अलग अलग भाषाओं को सीखने में, जानने में। तो इन्होंने देखो कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा, ये सारी सब हर तरह का ज्ञान इन्होंने लिया। देख ही पा रहे हो आप, हर तरह का ज्ञान। और भारत के भी कई भाषाओं का, भारत के कई भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया, कई भाषाओं का। अब इन्होंने जब फारसी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, भारत की जितनी भाषाएं थी जब उसको इन्होंने सीख लिया, और जब भारत की पुस्तकों को, भारतीय ज्ञान को जब इन्होंने समझा, मतलब प्राचीन पुस्तकों को पढ़ा, प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि भारतीय जो ग्रंथ हैं वो ज्ञान से भरे हुए हैं। इसी में इनके कुछ साथी मिले, जिसमें आप विलियम जोन्स का नाम तो आई मस्ट से कि आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, पर ये हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड, ये भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद करने लग गए, ये अंग्रेजी में अनुवाद करने लगे। भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में ये लगे हुए थे ये सारे लोग, कि भाई भारत में क्या था शिक्षा पद। एक दो किताबें पढ़ी, इन्हें बहुत अच्छी लगी। कोई उपनिषद पढ़ लिया होगा या कोई गीता पढ़ लिया, मतलब जो भी हमारे जो वेद हैं, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उसमें कुछ इन्होंने पढ़ लिया। इन्हें मतलब वो इतना अपील किया कि लगभग सारी किताबों को पढ़ने लगे। और जैसे जैसे ये पढ़ते गए भारतीय साहित्य को, भारतीय किताबों को, भारतीय विज्ञान पर लिखी गई बराह मेहर भास्कर आचार्य की किताबों को, वैसे वैसे ये प्रभावित होते चले गए। इन लोगों ने मिलकर फिर विलियम जोन्स के साथ एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, छोटे मोटे अभी तक अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, एग्जाम दिया होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की और किसके समय में की, कब की, कई तरह से इस पे क्वेश्चन आता है। तो 1783 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी के नाम से ज्यादा फेमस है, और इस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इन्होंने एशियाटिक रिसर्च नामक एक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया, कि ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय भाषाओं पे, ग्रंथों पे जो लोग रिसर्च कर रहे थे, उनकी मतलब रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जाए। तो उसके लिए इन्होंने एशियाटिक रिसर्च शोध नामक पत्रिका भी जारी करना शुरू किया, प्रकाशित करना शुरू किया। इन्हें विश्वास था कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, ये न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति को सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को समझने में, अपने विरासत को दोबारा अपने अतीत के, मतलब जो इनको लग रहा था कि भारतीय अपने ही विरासत से अनजान हैं, इनका अतीत बहुत समृद्ध था, बहुत ज्ञानी लोग थे, ये लोग बहुत आगे थे और ये अब अपनी विरासत को भूल चुके हैं। तो इन्हें लग रहा था कि अगर बहुत सारी किताबों को फिर से ट्रांसलेट कर दिया जाएगा और ये सब आम लोग जब पढ़ेंगे तो अपनी अतीत को ये पुनर्जीवित कर पाएंगे, अपनी लुप्त अतीत के विरासत को फिर से जान पाएंगे। जैसा कि अब हो गया है, हम जानते हैं कि हमारे वेदों में जो ज्ञान छुपा है वो कहीं पे भी किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। भारतीय दर्शन इतना समृद्ध है कि कहीं पे भी वो गहराई दर्शन में, वो ज्ञान कहीं किसी भी देश के साहित्य में, दर्शन की किताबों में नहीं मिल सकता।
और इसीलिए बाहर के लोग भारत आते हैं इन पे रिसर्च करने के लिए, पढ़ने के लिए। पर उस समय क्या हुआ था, सालों से क्योंकि गुलामी के नीचे दबे हुए थे, तो धीरे 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 अपनी विरासत को लोग भूलने लग गए थे। हुआ यूं था कि इनके आने के पहले यहां पर भारत में तुर्की शासन रहा, फिर मुगल शासन रहा। तुर्की शासन में भी मुगल शासन में भी कहीं ना कहीं वेद वेदांग नीचे पड़ गए थे। हालांकि आपने देखा होगा कि मुगल पीरियड में बहुत सारी किताबों का, वेदों का, उपनिषदों का अनुवाद हुआ भारतीय भाषाओं में, लेकिन फारसी में अनुवाद हुआ। रामचरितमानस भी उसी समय लिखा गया, लेकिन फारसी भाषा आम जनता कहां जानती थी, और आम जनता मतलब धीरे धीरे मदरसे में शिक्षा लेती थी, मतलब हिंदूज भी मदरसे में शिक्षा लेने चले जाते थे, और जनरली गणित, मतलब गणित की थोड़ी काम भर शिक्षा ले ली, थोड़ी भाषा सीख ली, हो गया। ये जो वेद वेदांगों की पढ़ाई जो गुप्त काल तक होती रही, हर्षवर्धन तक होती रही, वो खत्म हो गया था। कुछ दिन बुद्धों का चला, तो लोग नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऐसी जगहों पे लोग बुद्धिस्ट शिक्षा लेते रहे, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते रहे। मतलब कहीं ना कहीं ये धीरे 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 जो पहले वाला गुरुकुल पद्धति था, जहाँ पे वेद और वेदांगों की शिक्षा दी जाती थी, वो खत्म हो चला था, और उसी चीज को ये फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे। इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता अपने प्राचीन काल में अपने वैभव पर थी, और धीरे 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 वो उसका डिक्लाइन होता चला गया है। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों का अध्ययन जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। कानून पे भी किताब है, मनुस्मृति कानून पे लिखी हुई किताब है, याज्ञवल्क्य, कई लोगों ने विधि संहिता लिखी। उसी तरह से जो पवित्र ग्रंथ है गीता में भी बहुत सारे आचार संहिता बताया गया है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य के का बहुत सारा सिद्धांत दिया गया है। तो इन्होंने ये सब पढ़ा, और पढ़ने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि इसको जब तक भारतीय पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक नहीं पुनर्स्थापित कर पाएंगे। और इनको ये लगता था कि इतना भारतीय ग्रंथों में इतना ज्ञान छुपा हुआ है कि इन्हीं को माध्यम बना करके इनकी शिक्षा दीक्षा पढ़ाई आगे जारी की जा सकती है। तो इसमें जोन्स, विलियम जोन्स, कॉलब्रुक, ये भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। ये भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पश्चिम के थे तो पश्चिम को अच्छा माने, और अगर ये भारत से इंप्रेस हो गए तो पश्चिम को अच्छा नहीं मानते। ये दोनों संस्कृतियों को समान भाव से देखते थे, दोनों को जो अच्छा था उसको ये पसंद करते थे। इनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने शिखर पर थी, और जैसा कि मैंने बताया कि इसको पढ़ने के बाद ही आप समझने के बाद भी आप कुछ डिसीजन लेना चाहिए, और इसको समझना जरूरी है। इनका यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों को कानूनों के इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। पहले इनकी रचनाओं का अध्ययन करो और फिर सोचो कि भारत का भावी विकास कैसे हो, क्या उसका आधार हो, किस तरह उसकी संरचना की जाए। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया, सब अरबी, फारसी, इस्लामिक सारे कानूनों के अध्ययन के लिए। और आपने भी बहुत बार मदरसा सुना होगा, जनरली आपके दिमाग में एक ध्यान होगा कि जहां पर मुस्लिम बच्चे पढ़ने जाते हैं और जहां पर कुरान की शिक्षा दी जाती है उसे हम मदरसा कहते हैं। यही एक दिमाग में आपने भी फ्रेम बना रखा होगा, पर और बढ़िया से मदरसा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, आपको
यहां सीखने को मिलेगा। मैं मुझे पूरा मतलब यकीन है कि आप लोगों में से कम सिर्फ 5 या 10% लोगों को ही पता होगा। सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहते हैं, सीखने के स्थान को। और यह कोई भी हो सकता है, मतलब स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, या कोई संस्थान भी हो सकता है। ठीक है, कोई संस्थान भी हो सकता है। जो सिर्फ वो नहीं कि छोटे छोटे बच्चे जहां जाते हैं और जहां कुरान की आयतें रटाई जाती हैं और गणित की शिक्षा दी जाती है। मदरसा का मतलब होता है सीखने का स्थान, और वहां पर वो एक स्कूल हो सकता है जहां छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो कॉलेज भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। मदरसा का मतलब सीखने का स्थान। प्राच्यवादी, जैसा कि मैंने बताया कि जिनको प्राचीन यानी तो प्राच्यवादी अंग्रेजों को, उन अंग्रेजों को कहा गया जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखते थे, एशिया की। वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर ये शब्द आप लोग देखेंगे, उन्होंने कहा भारतीय भाषाओं को अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर कहा, बाद में आप देखोगे कि एक वर्नाक्यूलर एक्ट पास होगा। तो वर्नाक्यूलर शब्द क्या था, मैंने सोचा पहले बता दूं, आगे वर्नाक्यूलर आने वाला है तो मैंने सोचा आपको पहले बता दूं ताकि आपको ये क्लियर रहेगा। तो ये शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग, मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा को कहा जाता है, मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा को। तो मानक भाषा फिर किसे कहते हैं, मानक भाषा किसे कहेंगे, जो देश में शासन की भाषा होती है। शासन की भाषा मतलब सरकार जिस भाषा को अपने शासकीय कार्यों के लिए इस्तेमाल करती है, जिसमें अखबार निकलते हैं, उसी भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। जैसे भारत में आज की डेट में हिंदी और अंग्रेजी है, प्राचीन काल में संस्कृत था, जब तुर्की आए तो उनके भी फारसी रखते थे, तुर्की भी जब आए तो उनके शासन की भाषा फारसी थी, मुगलों के समय भी शासन की भाषा फारसी थी, तो मानक भाषा फारसी हो गया, और जब अंग्रेज आए तो मानक भाषा अंग्रेजी हो गई थी, और अब भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, तो उसी को मानकीकृत भाषा कहते हैं। तो जो मानक भाषा से अलग जो भाषाएं होती हैं उनको वर्नाक्यूलर भाषा कहते हैं। और अंग्रेजों ने भारत में स्थानीय, जितनी हमारी भाषाएं हैं, स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल के लिए, मतलब स्थानीय भाषाओं के लिए वर्नाक्यूलर शब्द इस्तेमाल किया। तो भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल किया स्थानीय भाषाओं को वर्नाक्यूलर भाषा कहने लग गए। ठीक है, देखो ये कलकत्ता में वॉरेन हेस्टिंग्स का स्मारक है, ये जो आप देख रहे हो ना चित्र, ये बीच में वॉरेन हेस्टिंग्स है, ये एक ब्राह्मण है और ये एक मुंशी है। मुंशी समझते हैं ना आप लोग, मुंशी जो सारा हिसाब किताब लिखता था उनको मुंशी कहते थे। तो ये कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में है ये। अब आप पोजीशन से ही, ये पिक्चर कह रहा है कि आप पोजीशन से ही समझ सकते हैं कि ये लोग क्या सोचते थे भारतीयों के बारे में। ये एक ब्राह्मण, उसको नीचे, इनसे नीचे खड़ा किया गया है, और एक मुंशी को यहां पर बैठा दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि अपने से ये काफी नीचे यहां के ब्राह्मणों को भी देखते थे, जबकि ब्राह्मणों को एक ज्ञानी के तौर पर मतलब स्थापित कर दिया गया था कि ब्राह्मणों का मतलब, ब्राह्मण का मतलब कि इन्हें बहुत ज्ञान हो, बहुत नॉलेज हो, तो स्थापित कर दिया गया था इनको इसी तरह से, मतलब इनके नीचे ही सारे लोग हैं। देखो ये पिक्चर, तो इसमें क्या है कि वॉरेन हेस्टिंग्स भी ये समझते थे कि भारतीय ग्रंथों को समझना इसलिए जरूरी है कि अगर हम उसको समझ लेंगे तो भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा, भारत पर शासन करना आसान हो जाएगा, इसलिए भारतीय भाषाओं को समझना जरूरी है, इसके लिए इन्होंने मदरसा खोला था। ये चाहते थे कि स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जान जाएं, भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे,
क्योंकि वो कई बार केवल बोली समझते थे कि ये कोई दूसरी बोली है, उसको वर्नैक्युलर का नाम दे देते थे, वर्नैक्युलर अभी मैंने बताया आपको, लेकिन ये चाहते थे कि स्थानीय रीति रिवाजों कानूनों के बारे में समझने के लिए भारत के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद जरूरी है। करवाया भी था इन्होंने, आप पढ़ चुके हो इस बात को, आप पढ़ चुके हो, आपने देखा कि क्या होता था कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए और जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, तो सजा किस आधार पे दिया जाए, तो मुस्लिमों का अलग कानून था, हिंदुओं का अलग कानून था, तो फिर इन्होंने 11 ब्राह्मणों को पकड़ा और बोला कि जो तुम्हारा कानून है लिख के दो, इसी तरह मुसलमानों को पकड़ा और दोनों के कानूनों को फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया और एक विधि संहिता बना दी गई थी, हालांकि कॉर्नवालिस ने बाद में प्रॉपर लॉ कोड बनाया। तो इसके लिए इन्होंने भारतीय भाषाओं का अनुवाद कराया था और कलकत्ते में मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं कि भारत में अंग्रेज जब आए तो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे और फिर अंग्रेजी शिक्षा कैसे लागू हुई, ये पढ़ने जा रहे हो आप, ठीक है। एक अब इसमें आपका टाइटल है पूरब की जघन्य गलतियां। पूरब यानी हम पूरब हैं और यूरोप पश्चिम है, ब्रिटेन पश्चिम में था, तो पूरब की जघन्य गलतियां में कुछ लोग आए, कुछ लोग आए जिनको ये लगा कि अब तक जो विलियम जोन्स कर रहे थे, अब तक जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया वो गलती थी उनकी, वो एक जघन्य गलती यानी एक बहुत बड़ा मिस्टेक था वो। इनको लगा कि क्या है भारतीय ग्रंथों में, भारतीय ग्रंथों में कुछ है ही नहीं, सड़ा हुआ पुराना कचरा ज्ञान है। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा आंग्ल प्राच्य विवाद, पढ़ा होगा है ना, आंग्ल प्राच्य विवाद, इसको कहते हैं एंग्लो ओरिएंटलिस्ट, प्राच्यवादियों को इंग्लिश में कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। तो अब तक लोग कोशिश कर रहे थे कि भारतीय भाषाओं को ही अनुवाद वगैरह करके उसी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, पर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये गलती थी, वो आलोचना कर रहे थे इन प्राच्यवादियों को कि ये तुम क्या कर रहे थे। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था। अगंभीर समझ रहे हो ना, मतलब पूर्वी साहित्य में कोई गंभीरता नहीं है, कुछ है नहीं इसमें खास, बिल्कुल छिछला है एकदम, कुछ ज्ञान का दो चार बातें हैं ज्ञान की बस। तो इनको लगता है कि एकदम अगंभीर और सतही था, और उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, न कि दर्शन बताओ कि दुनिया जीवन क्या है, पंच तत्वों से बनना है। भाई भारतीय ज्ञान बेसिकली ज्यादातर यही था, और साथ साथ में कारण भी बताए गए थे कि भाई आपको किस तरह से रहना चाहिए, कि मतलब क्योंकि ये जीवन नश्वर है तो आपको कैसे रहना चाहिए, ज्यादा मोह मत करो, ज्यादा आसक्ति मत करो। तो कुल मिला के जीवन को भौतिकवादी, खूब अति भौतिकवादी बनने से रोका गया था, ये थे ग्रंथ में हमारे, और लोग बड़े संयमित जीवन जीते थे इसी को मानते हुए। पर इनको लग रहा था कि ये सब बेकार है, इनको लग रहा था कि जो जीवन के लिए उपयोगी और व्यवहारिक ज्ञान है उसको देना चाहिए, और व्यवहारिक ज्ञान भी क्या दिया, रटाया इन्होंने। भारतीयों को यह पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता हासिल कर ली है, वहां विज्ञान कितना आगे हो चुका है, टेक्नोलॉजी कितना आगे हो चुका है, भारतीयों को भी सिखाना चाहिए। और 1830 के दशक तक ये विरोध बहुत ज्यादा और मुखर हो गया जब आए थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो मैकॉले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैकॉले जिन कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक, तो मैकॉले ही कहते हो, इनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। तो इन आलोचकों में सबसे ज्यादा मुखर जो रहे वो कौन रहे, मैकॉले। मैकॉले का कहना था कि पश्चिम की लाइब्रेरी के पूरी, मान लो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 50 अलमारियां हैं, तो ये जो एक अलमारी है, ये मान लो ये एक अलमारी है,
इस अलमारी में मान लो तीन खन्ने हैं, तो तीनों नहीं एक खन्ना, ये एक एक बॉक्स। इन्होंने कहा कि पश्चिम के लाइब्रेरी के एक अलमारी के एक शेल्फ के एक अलमारी के एक शेल्फ एक खन्ना पूरब के पूरे साहित्य के बराबर है, इन्होंने कहा। तो कोई तुलना ही नहीं था, एक लाइब्रेरी का एक शेल्फ पूरब के पूरे साहित्य के बराबर है। तो इन्होंने कहा क्या है भारतीय ग्रंथों में और क्यों भारतीय ग्रंथ पढ़ाना चाहिए, क्यों भारतीय किताबों को पढ़ाना चाहिए, अब कोई मतलब नहीं है। वो भारत को एक असभ्य देश मानते थे मैकॉले, और इनको लगता था कि इन्हें सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान का कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं थी, चाहे कोई भी शाखा हो। मतलब अगर हम लोग बात करें जैसे वेद की बात करें तो वेद, अगर फारसी ग्रंथों की बात करें तो फारसी ग्रंथ, तुर्की भाषा में जो लिखे गए तुर्की भाषा के, अगर साउथ की बात करें दक्षिण में तो दक्षिण के, या वेद करो दर्शन कहो उपनिषद कहो अरण्य कहो, चाहे कोई भी हो ग्रंथ, मतलब कि इनका मतलब कोई यूरोपीय ज्ञान के समकक्ष कोई भी नहीं ठहरता, गीता का बड़ा से बड़ा ज्ञान भी नहीं ठहरता। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का एक खन्ना, जैसा कि मैंने बताया एक खन्ना ही बराबर था अरब के समूचे, भारत और अरब, अरब को भी जोड़ा था। मैंने तो आपको बताया कि पूरब, तो पूरब में ये सब आ जाते हैं जितने एशियन कंट्रीज हैं। ये है मैकॉले साहब, इतना महान समझते थे अपने को, अपनी लाइब्रेरी में ये बैठे हुए हैं, पोज मार के फोटो खिंचवा रहे हैं। बहुत ज्यादा अहंकारी, और भारतीयों को तो असभ्य ही मानते थे ये, और इनको लगता था कि भारत और भारतीयों में कुछ है ही नहीं, इन्हें हमें सिखाना है, इन्हें हमें सिविलाइज्ड करना है। देखिए इनके इनका ही ये वक्तव्य है, ये कहते हैं ज्ञानियों की भाषा यानी अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने कहा था, अंग्रेजी पढ़ाने पर जोर देते हुए कि ये ज्ञानियों की भाषा है। अंग्रेजी किसकी भाषा है? ज्ञानियों की भाषा है। इन्होंने कहा कि सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देशी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में न तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं और ना ही उसमें वैज्ञानिक, न इसमें साहित्यिक जानकारियां हैं ना इसमें वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रुखी हैं कि अगर किसी और स्रोत से उनको समृद्ध न बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति का उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। मतलब इन बोलियां इतनी रुखी हैं, बेकार हैं, कि और किसी भाषा में इनका अनुवाद भी नहीं किया जा सकता। और अंत में आप देखेंगे कि इन्हीं की जीत हुई, जो इन्होंने खाका तैयार किया भारतीय शिक्षा के लिए, उसे कहते हैं मैकॉले मिनट्स, मैकॉले मिनट्स। तो मैकॉले मिनट्स, मिनट्स का मतलब विवरण, इसके आधार पर 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित कर दिया गया। तो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1835 में। इस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक हैं। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। मतलब उसी समय चार्ल्स वुड डिस्पैच, इसके आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, उसमें ये तय किया गया कि मतलब आपका प्राथमिक शिक्षा तो आपकी मातृभाषा में हो, पर उसके बाद की जितनी भी शिक्षा होगी वो अंग्रेजी माध्यम से ही होगी। तो मतलब प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में, उच्च प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी एक विषय के तौर पर, और उच्च शिक्षा सिर्फ अंग्रेजी में। ज्ञानी बनाना था भाई, बिना अंग्रेजी पढ़े ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता था, और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम ही नहीं था। आज की डेट में आप रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी में पढ़ते हो, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जैसा कोई भारत के, मतलब टैगोर के पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए थे, किसी को नहीं पढ़ाना था इन्हें, ये वहां पढ़ाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, शैली, मिल्टन, उनको पढ़ाना शुरू किया इन्होंने, शेक्सपियर,
इनको लगता था कि यहां के लोगों में क्या है, कालिदास कौन है, क्या है, कालिदास ने ऐसा क्या लिख दिया है कि पढ़ाना जरूरी है। तो ये लोग यहां के किसी भी राइटर को लेके भी सीरियस नहीं थे। कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों की जो स्थापना हुई थी जोन्स और वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर, तो विलियम मैकाले ने कहा कि अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे हैं। उसने कहा कि अपने आप सब खत्म हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है इनको, मतलब जरूरत नहीं है इनको सपोर्ट करने का, इनको संरक्षण देने का, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आज अभी मैंने इस क्लास में आपको बताया, इस क्लास में बताया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कैसे हो रही है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कैसे हो रही है इस क्लास में, अगर क्लास के शुरू में नहीं समझ में आया तो फिर से देखना कैसे हो रही है। मतलब जब यहां पर अंग्रेज आते हैं और जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, एक प्रशासन की स्थापना होती है, कानून व्यवस्था स्थापित होती है, पुलिस की स्थापना होती है, तो तभी ये सोचते हैं कि भारत में शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। भाई शिक्षा भी तो हमारी अब जिम्मेदारी है, जहां है वहां शिक्षा भी देनी है। और सबसे बड़ी समस्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सर्व कौन करेगा, मैंने बड़े बड़े वेतन पर तो वहां से लोग आने को तैयार थे ऑफिसर बन के, लेकिन वो क्लर्क बन के कोई यहां पर आने को तैयार नहीं था। यहां का क्लाइमेट अलग, क्लर्क की सैलरी कम होगी, उसमें फैमिली वो कैसे रखेगा, और क्यों उतना बढ़िया देश छोड़ के आएगा, उसको हर आदमी को अपना देश प्यारा होता है। आपको इंग्लैंड अगर चपरासी बना के भेजा जाएगा तो आप जाओगे? हाँ, कुछ लोगों को विदेश का, हम भारतीयों में अभी भी विदेश का बहुत क्रेज है, तो हो सकता है आप चले भी जाओ कि भाई इंग्लैंड जाने को मिलेगा, कहने को रहेगा कि लंदन में रहता है, पर उनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी। उनका क्लाइमेट, भारत का क्लाइमेट एकदम डिफरेंट था, और वहां छोटे वेतन पे कोई आने को तैयार नहीं था। तो उनको क्लर्क्स पैदा करने थे बेसिकली, और उसके लिए मैकाले ने जोर देकर के कहा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही जरूरी है, ये भारतीयों के मन मस्तिष्क को क्या करेगी, रिफाइन कर देगी, रिफॉर्म कर देगी, सुधार देगी ये शिक्षा, और भारतीय सभ्य बन जाएंगे। तो इनको सभ्य बनाना भी हमारा कर्तव्य है, और लोगों ने मान लिया। और बाद में आप नेक्स्ट सेशन में देखोगे कि बेसिकली इसके पीछे किस तरह से इसको लागू किया और इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था। तो हमेशा ये उद्देश्य याद रखना कि इनको अंग्रेजी शिक्षित, अंग्रेजी पढ़ा लिखा भारतीय वर्ग, एक अंग्रेज भारतीय वर्ग चाहिए था जो इनकी शिक्षा को ग्रहण करे और इनकी तरह सोचना शुरू करे, इनकी तरह पहनना शुरू करे, इनकी तरह बोलना शुरू करे। मुख्य उद्देश्य रहा यही, आप देखोगे नेक्स्ट सेशन में, उन्होंने स्पष्ट ही ये बात कहा, चार्ल्स वुड ने कहा कि अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय, हमारी जो वस्तुएं हैं, हमारा जो पहनावा है, हमारी जो संस्कृति है, उसको पसंद करने लग जाएंगे और धीरे धीरे हमारे देश में बने यानी इंग्लैंड में बने वस्तुओं की भारत में मांग पैदा हो जाएगी और फिर हमें एक बाजार भी मिल जाएगा। आर्थिक फायदा भी है और साथ में प्रशासनिक फायदा भी है, क्योंकि हमें यहीं पर क्लर्क मिल जाएंगे। पर शुरुआत ऐसे होती है, शुरुआत ऐसे होती है कि कुछ ऐसे शुरू में प्राच्यवादी थे जो विश्वास था जिनका भारतीय ग्रंथों में, भारतीय शिक्षा पद्धति में, और वो चाहते थे कि भारतीय भाषाओं में ही, भारतीय ग्रंथों के हिसाब से ही भारत में शिक्षा दी जाए, पर उनका किस तरह से विरोध हुआ वही आपने यहाँ पर पढ़ा। ये बड़ा मतलब फेमस पॉइंट है, हमेशा एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट आता है और आंग्ल प्राच्यवाद विवाद में आंग्ल यानी अंग्रेज क्या कह रहे थे, जो अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, और जो प्राच्यवादी थे
जो कि भारतीय शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे, वो क्या कह रहे थे, किस तरह की इनके बीच क्या कहेंगे कि मतभेद थे, वो सब आपको इस सेशन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन इसका आप जरूर लेना। ये पार्ट वन था जो अभी मैंने किया, और पार्ट टू, पार्ट टू अभी नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगी। दोनों आप कवर कर लोगे तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। अगले सेशन में आप ये भी देखोगे कि जब औपनिवेशिक यानी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई तो उसको लेकर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार रहे। ठीक है, चलिए फिर जाते जाते मैं बता दूं, रिंकू लाइव, रिंकू लाइव मेरा कोड है, आप इसे यूज करें। और प्लस जिस पे बहुत सारे कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं उसको आप ज्वाइन करें, 2020 को सिक्योर करें। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।